नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहिए या आप कह सकते हैं बागेश्वर महाराज जी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर महाराज जी की एक संस्था है बागेश्वर धाम सरकार करके, और ये जो संस्था है ये कई सारे जनमानस कल्याण के कार्य करती है। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, कई सारे प्रोग्राम्स करती है जो जनमानस कल्याण से जुड़े होते हैं, और इन सब कामों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता भी होगा। और जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है इस संस्थान का, वो है डोनेशन से और यूट्यूब चैनल की अर्निंग से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बागेश्वर महाराज जी हैं, जो उनका चैनल है बागेश्वर धाम सरकार करके, उससे वो कितनी अर्निंग कर लेते हैं, कितनी इनकम कर लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल से। और ये जो पैसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि ये सारा पैसा जनमानस के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हमारी वीडियो है ये मात्र एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, यानी जानकारी के लिए हमारी वीडियो है। और इस वीडियो से अगर आपको किसी भी तरह की भावनाएं आहत होती हैं तो इसके लिए हम पहले से ही माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ये हमारी वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन या जानकारी के लिए ही होती है, और इससे हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं रहता है, पहली चीज़ तो ये। चलिए और बातें नहीं करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है कि हम जानें इनकी यूट्यूब की इनकम अर्निंग के बारे में, इनके चैनल जो है बागेश्वर धाम सरकार करके, उसकी अर्निंग इनकम के बारे में इस वीडियो में हम जानें। तो चलिए चीज़ जो हमें जाननी है उसमें हम फोकस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकेंगे मैंने एक अलग सा इंटरफेस या डैशबोर्ड यहाँ पे खोल लिया है, और यहाँ पे आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी या बागेश्वर महाराज जी की जो चैनल की रिलेटेड डिटेल्स हैं, जानकारी वगैरह हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि उन्होंने अब तक कितने चैनल के वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं चैनल पर, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने व्यूज़ आ रखे हैं, और भी जो इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं, जानकारी वगैरह होती हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, पैसे वगैरह में, इन सब चीज़ों में, तो देख लीजिए। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम जाने इनकी अर्निंग इनकम के बारे में, जिस वजह से आपने इस वीडियो को क्लिक भी किया है। चलिए इसे जान लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकेंगे सेंटर पे बीचों बीच आप देख सकते हैं, यहाँ पर $15,000 $15,000 एक महीने के हिसाब से कमा लेती है संस्था। और $15,000 जो हैं इन्हें हम क्या करते हैं, भारतीय रुपये पैसों में, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जानते हैं कितने हो जाते हैं $15,000 भारतीय रुपये और पैसों में। चलिए जान लेते हैं फिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गूगल पर $15,000 को इंडो रुपीज़ में कन्वर्ट करके आप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे $15,000 हो जाते हैं लगभग, और माफ़ करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 लाख रुपयों के हिसाब से, 12,24,000 रुपीज़ के हिसाब से एक महीने के। तो 12 लाख रुपये कमा लेती संस्था एक महीने के हिसाब से। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।